Hello students, let's see the option. So the option is match list 1 with list 2 to find out the correct option. List 1 दिया, list 2 दिया, match करके बताने की कौन सा option में correct match दिया है. पहला अगर हम देखें the evil quartet की अगर हम बात करें तो the evil quartet किसके लिए, ये जो है the evil quartet ये एक तरह का sobriquet है that is used to describe the four major causes of biodiversity loss. So कौन कौन से, habitat loss and fragmentation, co-extinction, then over-exploitation, alien species invasion. तो ये जो है ये क्या causes of biodiversity losses. तो ए का क्या होगा, थर्ड होगा. नेक्स्ट रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये किसने दिया है, ये जो पॉल एरलिक जो है इन्होंने ये रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस दिया, जिसमें इन्होंने एनालॉजी यूज करके जो एयरप्लेन है उसको यहाँ पे एयरप्लेन को किसके तरह यहाँ पे ये जो रिलेट किया इकोसिस्टम की तरह. ये जो है जैसे एरोप्लेन है यहाँ पे वो इकोसिस्टम एंड इसमें जो रिवेट्स यूज किए गए हैं टू जॉइन द पार्ट ऑफ एयरप्लेन उनको किसकी तरह रिप्रेजेंट किया, यहाँ जो रिवेट है उनको स्पीशीज की तरह, तो एयरप्लेन जो है वो इकोसिस्टम की तरह और जो रिवेट है ये किसकी तरह, स्पीशीज की तरह जो इकोसिस्टम के अंदर है. तो इन्होंने बताया कि अगर अंदर बैठे हुए पैसेंजर जैसे ऐसे रिवेट यहाँ से रिमूव करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे, तो इसका सेफ्टी इनिशियली तो उतना यहाँ पर डेंजर में नहीं होगा, लेकिन बाद में ज़्यादा धीरे धीरे करके जब ज़्यादा स्पीशीज जैसे कि ज़्यादा रिवेट यहाँ से लूज़ हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे सेफ्टी पैसेंजर के सेफ्टी पे वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे बताया कि जो विंग वाला पोर्शन है उस तरफ जो यहाँ पे रिवेट होंगे वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको रिलेट किया कीस्टोन स्पीशीज की तरह कि वो वाले होते हैं जो मेजर फंक्शन ड्राइव करते इकोसिस्टम का. तो अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने एक तरह से रिलेट किसका किया, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज रिचनेस इन मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम. तो ये जो है बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हमें पता है कि ये जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होते हैं बट अप टू अ सर्टेन लिमिट तक ही होते हैं. तो अगर हम देखिए डी का क्या होगा, सेकंड होगा. एंड यहाँ पे जो है टिलमेंस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी. तो इन्होंने क्या बताया कि इनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन्होंने देखा कि मोर स्पीशीज वहाँ देखने को मिल जहाँ पे मोर स्पीशीज देखने को मिल रहा है वहाँ ईयर टू ईयर जो वेरिएशन है बायोमास का वो कम देखने को मिल रहा है. और इन्होंने ये बताया कि जहाँ पे इंक्रीज डाइवर्सिटी होगा इट विल कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी. सो सी का क्या होगा, फोर. ए का क्या होना चाहिए, थर्ड. ए का थर्ड इनमें से इन दोनों में दिया है, इसमें फोर है तो गलत है, इसमें सेकंड है तो गलत है. बी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट. दोनों में दिया है. सी का क्या होना चाहिए, फोर. सही दिया यहाँ पे सेकंड है तो ये गलत होगा. एंड डी का क्या होना चाहिए, सेकंड. यहाँ सही दिया, करेक्ट आंसर विद दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.